यो व्हाट्स अप गाइस, क्या सब लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सीड 666। लेकिन गाइस, मैंने ऑलरेडी एक वर्ल्ड बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ गाइस, ओल्ड वर्ल्ड। अच्छा गाइस, थोड़ा सा लोडिंग लिया जा रहा है यहाँ, दोनों कैरेक्टर्स पूरे लोडिंग नहीं ले पा रहे, इसलिए गाइस मुझे कहीं पर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गाइस पता नहीं, दोनों कैरेक्टर्स लोडिंग नहीं ले पा रहे, वो गोल घूमते जा रहे हैं गाइस, पता नहीं क्यों। तो गाइस मैं अभी तो मुझे किसी और कैरेक्टर से खेलना पड़ेगा, एरर स्टिक चल जाएगा। गाइस वार्डन 5447 इट सही है गाइस, ये क्रिएटिव है, सर्वाइवल रख देता हूँ गाइस। एक ही अभी हम लोग सर्वाइवल लेंगे, इसलिए गाइस अभी जल्दी से सीड 666 में कर लेते हैं। सीड को दिखा देता हूँ। ओके गाइस जल्दी से, अरे जल्दी से बोल लो। ओ गाइस, जब मैंने वर्ल्ड क्रिएट किया था, अचानक पानी के अंदर समन किया था हमको, मतलब स्पाम किया था, कितना बैड लक सीड है ये सच्ची में गाइस। ऐसा गाइस मैं बोलूँ ना, पता गाइस इस सीड ना, सीड 666 को ना गाइस, पता है इस सीड 666 को डेविल सीड भी कहा जाता है। हाँ यस गाइस, डेविल सीड कहा जाता है। और बोलते हैं, और बताया जाता है कि बहुत अनलकी भी होता है, इतना ज़्यादा अनलकी, हाँ कि कोई गाइस कोई सोच भी नहीं सकता। गाइस ये वुड कलेक्ट करना पड़ रहा है, अरे वुड तो कलेक्ट करना ही पड़ता है, और क्या करना पड़ता है। ओके गाइस मेरे पास 5 फूड आ गए हैं, और वुड नहीं लेना मुझे। हाँ मैं इसको यहाँ, ओके गाइस मैं अभी क्राफ्टिंग टेबल बना रहा हूँ, ये बन गया क्राफ्टिंग टेबल। इसको ले लो। ओह सॉरी गाइस, अभी तो मुझे स्टिक्स भी बनानी है, अरे ज़्यादा क्वांटिटी की, अरे हाँ इतना चल जाएगा, ज़्यादा मुझे नहीं करवानी। तुमने 3 बटन ले लिए, सॉरी गाइस। गाइस मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था कि एक आदमी के साथ हुआ था कि बाकी उसने सीड 666 का मतलब उसने चालू किया था वीडियो, मतलब चालू किया था पर गाइस कसम से, फिर उसके बाद वो गाइस वो बहुत इतना ज़्यादा अनलकी था, आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अचानक से पता नहीं उसकी उस आदमी के साथ क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला था कि वहाँ में ऑलरेडी एक पोर्टल मतलब बना हुआ था। ओह माय गॉड गाइस, ऑलरेडी पोर्टल कैसे गाइस बना हुआ रह सकते है। अच्छा वो गाइस, अच्छा कम पड़ गया, कोई बात नहीं गाइस। अलग से म्यूजिक सुनाई दे रही है जी। गाइस नाम को पता चला कि ना अपना सर्वाइवल सीरीज का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का हाफ सीन 1 और 2 देखी है, पर उसमें ना कोई भी ना एकदम लाइक ना तो कमेंट कर रहा है। प्लीज लाइक
सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए ना गाइस। मेरा पीछे मेरा दोस्त भी मेरे साथ, मेरा दोस्त भी बैठा हुआ है, उसने मुझे सब्सक्राइब करके रखा, आप लोग नहीं रखते हो। देखिए दोस्त कितना अच्छा होता है। गाइस अभी तो मैं अपने दोस्त से बात करता था। ओहो पता नहीं मेरे साथ को बचा के रखो, नहीं तो बाद में जब रात होगी तब बेड बनाना। मेरे पास प्लान है, ये सात है, कम से कम तीन ही। अभी तो मेरे साथ अभी तो कुछ नहीं, अब तो गाइस मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मेरे साथ में कुछ अलग की चीज ना हो जाए। तू तो अलग की चीज, तू तो बहुत तेज है। एक अलग की चीज सामने दिख रही है, बीस बीस पॉइजन देती है। नहीं लकी है, पता ठीक है लकी भी है। प्लीज प्लीज मेरे साथ कुछ सैंड जल्दी से कलेक्ट करो। सैंड 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 एंड कबलस्टोन, सैंड तो सामने ही है। सैंड और कबलस्टोन कलेक्ट करो तब तुम ना बोतल ले पाओगे, क्या कहता हाँ थनी वाला। गाइस इस वीडियो में दो यूट्यूबर्स नहीं है, सिर्फ मैं ही एक यूट्यूबर हूँ उसमें, वो तो बस मेरा भाई हमको एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब एक्सप्लेन क्या, एक्सप्लेन वाला कोई यूट्यूबर भी होता है क्या? एक्सप्लेन यूट्यूबर नहीं होता, एक्सप्लेन यूट्यूबर सिर्फ होता है मूवी एक्सप्लेन करने वाले यूट्यूबर्स। बाकी मेरा भाई अभी इसमें अभी मेरा ये कर रहा है, बस मुझे एक्सप्लेन कर रहा है इसका चैनल। गाइस बड़े जब हम लोग फिर से बड़े हो जाएंगे तो फिर से हम लोग अपना यूट्यूब चैनल खोल लेंगे। मेरा तो गाइस मेरा तो प्रो डिस्को डीजे के मेरे गाइस का तो वार्डन 5447 ही रहेगा। गाइस इसको बहुत पसंद है। अरे सॉरी गाइस मैंने तो स्टोन ही नहीं माइन किया। ओके अंदर जाओ। ओके ओके तो 66 ब्लॉक में अभी 666 ब्लॉक में चल रहा है। नहीं 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 अबे यहाँ क्यों आ रहा हूँ गाइस, ऐसे हो रहा सामने है। सो गाइस अब मैं जल्दी से ऊपर चलो। हाँ और गाइस अभी तो और स्टोन्स चाहिए मुझे। तुम सीधे स्टोन के टूल्स मत बना, सबसे पहले फर्नेस बनाना। अरे गाइस मैं पता नहीं डर्ट क्यों। गाइस मेरा भाई पता है कौन सी टेक्निक यूज करता है, पता है जब भी बनाता है ये शॉर्टकट वाली टेक्निक, पर नहीं मैं तो ये यूज करता हूँ। हाँ जब उंगली होल्ड करते करते दब जाएगी ना पूरी की पूरी तब बोलना, उतनी भी नहीं होती। हाँ तो मुझे बनाना है फर्नेस, मेरी दबती है इसलिए मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ। एक छोटा सा कट कर देता हूँ। ओके गाइस अब ले नहीं पाता हूँ, कभी कभी अजीब सी चीज होने लगती है। लीजिए पैकिंग उठा लो, नए सफर में निकलता है। एक मिनट मेल्ट करने के लिए तो मेरे पास कोल भी नहीं है। अरे हाँ वुड तो जलाया जाता है गाइस, पर वुड बहुत जल्दी मतलब होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। भाई इस दुनिया में मुझे अलग की चीज़ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 666 भाई क्या है आसपास, मुझे गाइस मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा यार कितना लकी है ये। सीट 666 अनलकी है नहीं, हॉरर भी है। हाँ डेविल सीट देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही बैम्बू लगा हुआ है, बाकी देखो बैम्बू ले लो, कुछ तो अलग ही नाम होगा उसका शायद। भाई मुझे तो नहीं होगा क्या, मैं एक ही बैम्बू क्या सारे बैम्बू होने चाहिए थे ना भाई। अभी बैम्बू का नाम क्या है, एम्बू ना हो जाए, बैम्बू ही है। किसी ने प्लेस ही नहीं किया, पता नहीं एक ही बैम्बू क्यों है, डरा दे रहे हैं अब लोग मुझे, डरा रहे हैं मुझे कसम से। इतना डर लग रहा है ना
कि गाइस इस वीडियो में बोनस भी, बोनस तो मैं आपको बता दूँगा। देखिए हे भगवान, ये मैं कहाँ गया। गाइस खुल्लम बेइज्जती मेरी, तो खुल्लम बेइज्जती खीफ ही नहीं दे रहा कि भाई दाद लगी और क्या हो सकता है हमारे साथ, और गंदा भी। ये क्या है भाई, बस भाई बच गया। हमको ना ऐसा ना होता कि गड्ढा है उसमें सीढ़ी लगा हुई है। इतना अनलकी मत करना मेरे साथ भाई, बहुत अनलकी हो सनीश, एक सीप तक नहीं दिख रही है भाई। सच्ची में बोलता हूँ, नहीं हमको इसी थोड़ा मोड़ा हॉरर लग रहा है क्योंकि आज तक तुमने इसमें एक एनिमल भी देखा। यस अरे भाई, अब ये मुझे ऐसा क्रैक केव क्यों देखने को मिल रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं। ये क्रैक केव नहीं कर रहा, ये केव खान हार गए नहीं। अबे अबे अब मुझे डरा रहे हो गाइस, अभी मुझे यही करना पड़ रहा है टाइम। गाइस अभी मुझे यही करना पड़ रहा है, मेरा भाई भी करता है। हाँ क्योंकि हम चीटर कॉक हैं। ओहो अरे ए पेड़ की पत्ती हट, तो हट, दिमाग खराब हो रहा है यार मेरा। गाइस आपको, अगर आपने कभी शो कोऑर्डिनेट्स ऑन किया होगा अपने वर्ड में, सॉरी अगर आपने इसको देखो यार, ये कहीं भी टाइम सडे या फिर सनराइज किया होगा यार, इसमें 24 आवर क्लॉक है कि कौन सा आवर क्लॉक है। यस गाइस पता नहीं 24 आवर क्लॉक है नहीं भाई, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मत दिखाओ मुझे। वहाँ मुझे वाटरमेलन भी दे रहे हो, चलो खाने के लिए कुछ मिला, बस के भी दे दे रहे हो, ताज लकी हो आई तुम सीट। अब ऐसा ना हो कि मैं ही अनलकी हूँ इस दुनिया का। आखे चलो अनलक, ये और अनलकी है कि दिया पर ऐसा गिरने के लिए मरने के लिए हमको नहीं। अनलकी नहीं, ये तो बहुत लकी हो गया, लकी हो गया बहुत ज्यादा। पर यहाँ से कोई भी आदमी कुत्ता तो कूदता ना, कुत्ता कुत्ता है नहीं बोला, कूदता कूदता ना तो मर जाता सीधे। पानी पानी से ज्यादा लकी क्या होता है, तुम और पागल हो। माय गॉड अनलकी तो यार तुम, अबे हटो, नहीं नहीं बिल्कुल पानी में मत जाना, पानी में जाओगे तो क्रिएटिव होके। गाइस मेरे पास टॉर्च भी नहीं, मैं क्या करूं। क्रिएटिव होके ऊपर जाओ, क्रिएटिव हो और नीचे जाओ। कूल गाइस मैंने यही आसपास से देखा था, वही देखा था, लेकिन ऐसा जगह कूल क्यों जा रहे, इतना अनलकी वाला चीज कर रहे हो, मुझे समझ में तुम्हारी ही बात नहीं आती। कूपर दे दिया है हमें, कूपर क्यों दिया, वो सबसे लकी होता है यार, तुम तो और पागल। गाइस मेरा भाई हिंदू ना, ओ सॉरी एक मिनट कूपर ठीक है लकी तो होता है, पर अभी तो मैं मेल्ट करने के लिए थोड़े ना लकी होता है। एक मिनट सॉरी टॉकिंग डॉल्स, नहीं वो बहुत लकी होता है, कूपर हद से ज्यादा लकी होता है, उसी से स्पाई ग्लास बनता है। ये पिकेक्स बना लिया, अब एक्स बना लो। एक्स हाँ, बस एक स्वॉर्ड और एक्स भी बना लो। देखिए गाइस मैं तो ऐसे ही स्पीड रन करता रहता, उसको स्पीड रन करते हैं ऐसे ही, इसको भी स्पीड में मजाक कर रहा था। मैं नहीं कुछ ऐसे कि मैं क्यों डरा रही हूँ, मुझे ऐसी आवाज देख के ये लगता है कि अभी से ये बहुत में आवाज ध्यान से सुनो, पूरा फुल साउंड करो। ये कॉपीराइट वाला साउंड हमको बहुत कभी कभी अचानक से डरा देता है। मुझे
स्केलेटन दिख रहा है गाइस, एक स्केलेटन। गजब बेचती है भाई यार, तो सच में गज मेरा गजब बेचती है। क्रिएटिव हो के भी बैठेगा क्योंकि क्रिएटिव में भी आजकल ना तो पता है ऐसे ऐसे मतलब एंटिटीज आने लगता है ना, क्रिएटिव में भी डिश उड़ा देते हैं सच्ची में भी। तो ये वैसे एंटिटी है क्रीपर। मैं ही सीड सिक्स सिक्स ओ भाई कौन वाला पे वो आया, वो भाई फिर मार रहा है भाई पे चल ले यार, चल पूरा बैठ जा बैठ जा। ओ हाँ गधा ओ गाइस, मैं भी कभी कभी कुछ बेवकूफी वाला काम कर रहा हूँ ऐसा, तो भाई फनी बेवकूफी मत करो नहीं तो कोई लाइक और सब्सक्राइब ही नहीं करेगा तुम तो। यहाँ पे तो लाइक यार तुम तो यार मेरा चैनल को यार पूरा कंगा, इसका तो हेल्थ बहुत कम है, तेरा हेल्थ तो बहुत कम है। आ गया एस्केलेटर, आ गया एस्केलेटर, आ गया आ गया आ गया, इसका एस्केलेटर आ गया।
भाई गाइस सच्ची में अनलकी, सही में पूरा अनलकी हो गया यार। सीड 666 सुनने तो मेरा दिमाग ही डर के मारे गुल कर दिया। गाइस पता है आजकल, पता है मैं आपको एक सबसे ज़्यादा सीक्रेट चीज़ बताऊँ ना, सीड 666 वाला जो सीड है ना माइनक्राफ्ट में, वो ऐसा मतलब इंसान के दिमाग को एकदम ऐसा कर देता है ना, मतलब जैसे मतलब उसके दिमाग में इतना डर बैठ जाता है कि वो क्या करे कैसे करे वो समझ ही नहीं पाता है। और गाइस ये सच्ची में मेरे साथ भी हुआ है भाई यार, सीड 666 जैसे मेरा भाई हालत ही ख़राब कर दिया भाई। गाइस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आजकल सारे लोगों के साथ ऐसे माइनक्राफ्ट के सीड 666 में ऐसा हो रहा है सच्ची में। इतनी सुंदर है यार जगह भाई, इतनी सुंदर जगह को मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। वो घोड़ा है भाई, घोड़ा को लाइट है भाई, घोड़ा प्लीज 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 ना शो भैया। लेकिन एक मिनट मेरे पास तो सैडल भी नहीं है, इनको कंट्रोल कर सकते। अबे यार गाइस ये थोड़ा सा चीटिंग कहलाएगा। अबे अबे मार मार भाग भाग भाग, मैं तो भाग रहा हूँ। ये कौन भाग भाई? गड़ा, हाँ गाइस अभी तो मैं भाग ही रहा हूँ। अरे अरे आ जा तुम जल्दी से, ये क्रीपर गाइस रक्षित मेरे छोटे सबसे छोटे भाई का नाम है। अरे तुम ओई, और मैं कीव से मैं उसे पता है मैं डर के मारे इतना हालत खराब हो जाता कि जल्दी जल्दी मैं हड़बड़ी में पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ हड़बड़ी में मैं डर के मारे अजीब सी एक अजीब सी आवाज़ आ गई थी, मुझे डर लग गया था तो तुम मर गए। हाँ उसी की वजह से तो क्या स्केलेटन आ गया। हाँ मुझे बहुत सच्ची में डर लग रहा है, ये बैम्बू साउंड मैंने तोड़ दिया था। गाइस तुम मत मत मार, पीछे देखो ना एक तो नहीं मर रहा है, पीछे देखो। हाँ अच्छा ये नहीं मर रहा था ना, भाग गए। अरे बस तुम अच्छा पीछे पीछे देखते क्या ना। अरे तुम ओ अरे ये नहीं मर रहा है ना, ये पक्का नहीं मर रहा है, पीछे गोल्डन हेलमेट पहना हुआ है। ये भगवान सच्ची में वो मर ही नहीं रहा था भाई, फिर से घुमा फिरा के वही गेम में आ गए। नहीं सर नहीं वही आया, वही वाला है सच्ची में, हम पिछली बार वहां से आए थे। जब भी तुम इसके गेम में आ रहे हो तभी वही साउंड आ रहा है। अरे ये की पता नहीं डरा मुना फिर से बैमो, अब मुझे फिर से डर लग रहा है। ये सीड 666 बड़ी अजीब सीड है, मुझे डर लग रहा है अभी सीड से। ये कहीं यार बैमो कहां सोच डर के मारे अब हालत खराब हो रही है। गाइस गाइस आप भी सीड 666 को ट्राई करो तब आपको समझ में आएगा कि आपको भी कैसा फीलिंग लगेगा। आप हाँ गाइस आपको सीड 666 जरूर ट्राई करना चाहिए। सीड 666 666 और वही 666 है आज तक बोले 666 वहां जाने की जो थी क्या थी। गाइस आप भी सीड 666 को ट्राई कीजिए और अब आपका भी हालत कैसा होगा आप भी जानिए। मेरा मेरे साथ तो क्या क्या हो रहा है, मैं मुझे भी कितना देर ये भगवान ये बैम्बूस क्यों उगड़े उखाड़ो इन्हें। अरे भाई यहाँ तो 100 GB ले लोगे आज तुम, इधर एक घंटा का वीडियो नहीं है बस बोनस भी है बस।
गाय बोनस एक वो बोनस तो मैं तुमको इजी गाइस मैं आप लोगों को और मेरे इस दोस्त को बोनस के बारे में भी बताऊंगा। ये मेरा दोस्त बोला बोनस क्या है, बोनस क्या है अभी पता है बोनस क्या है, नहीं बताएंगे सीक्रेट सीक्रेट बोल के रख दिया। अब तो हमको लगा कि तुमने ना वाटर मेलन को ना सैंड में चेंज कर दिया भाई। ओ माय गॉड कितना फनी चीज हो रहा है गाइस। हाँ तुम्हारे ची 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 अरे हाँ क्या हुआ ऐसे तोड़ा है ऐसे फोन ऊपर एक बोर्ड अब गाइस सब बोलते हैं कसम सब बोलते हैं गाइस आपको बहुत सास के आप भी पागल ही हो जाओगे। नहीं क्या करोगे? नहीं होगी जब खाते तो स्लो 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 चलते कछुआ कछुआ खरगोश के बीच में रहे सो कछुआ जीतते। अरे तू आ तेरे भी पिटाई दिखा लो। अबे कसम से स्पीड स्पीड सिक्स सिक्स ये स्पीड ट्रिपल सिक्स ने तो शीप की स्पीड बढ़ा दी। क्या कुछ किया है? अरे यार मेरा भाई भी मेरा भैया भी कभी कभी पागल हो जाता है क्योंकि शीप तो दौड़ती है जब भी हम लोग उसको मारते हैं। हाँ पता है लेकिन वो कुछ ज़्यादा स्पीड में भाग जाती है। नहीं गाइस आपको इस सीड ये सीड से ट्रिपल सिक्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताया प्लीज़। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल में गाइस कुछ तो कमेंट करिएगा। गाइस मैं इस वर्ल्ड में अभी गाइस आपने देख ही लिया कि इस ट्रिपल सिक्स वाले सीड में किया है तो गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगा बोनस। गाइस अब बारी है बोनस की रूट हाउस। रूट हाउस नहीं गाइस सर्वाइवल सीरीज वो एक वो मैं आप एंशिएंट सिटी। गाइस अब मैं आपको बताऊंगा जो गाइस ये देखिए तो पप्पी प्ले टाइम का गाइस हमारा वर्ल्ड है वो आडून से लिए थे गाइस ये वाला पिंगला बकवास है। अब गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं गाइस ये जो मतलब है ना हमारा मतलब गाइस मैं आपको बोनस बता रहा हूँ गाइस ये जो जैक पीक वाला सीड है ना मतलब सीड 297 तो गाइस इस सीड में है ना जो वो वाला केव होता है ना गाइस जिसमें एंशिएंट सिटी है उसमें एंशिएंट सिटी भी क्या उसमें लश केव भी है और वो एमेथाइस्ट वाला भी है। अगर आपको नहीं पता तो खुद ही मतलब एंशिएंट सिटी के घुसने की वजह वहाँ जाके देख लीजिए सच्ची में और पूरा लकी है उसमें डायमंड में मिलता है कितना। गाइस अगर आपको बोनस इतना अच्छा लगा कि मतलब ये कितना अच्छा बोनस है तो गाइस अब आज के लिए इतना ही गाइस बाय। मेरी तरफ से भी बोनस है। ओके गाइस बोनस और जो ना गाइस मैं एक दिन इसका वीडियो अपलोड करूंगा। गाइस ये कितना अच्छा बोनस है गाइस आज तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और अपने दोस्तों को और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर भी करिएगा तो बेल आइकन को ऑन में सेट करिएगा। तो फिर गाइस आज के लिए इतना ही तो फिर बाय गाइस बाय बाय बोलो तुम भी बाय मिलते हैं अगले वीडियो में।